नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में समन जारी किया है और उन्हें आरोपी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ वेब दुनिया के संपादक जयदीप जी। जयदीप जी, पहले सीबीआई की पूछताछ, फिर अब अदालत के ये निर्देश, क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, मामला गंभीर जरूर है और एक बेहद साफ छवि वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निश्चित तौर पर अपने कार्यकाल में भी वो इस बात को लेकर परेशान रहे हैं कि उनके सामने उनके मंत्रालयों में कई घोटाले हुए और उसकी आज कांग्रेस पार्टी पर आई। लेकिन ये माना जाता रहा कि मनमोहन सिंह जी जो हैं वो एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। अब चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भी उनको ये सम्मान हासिल है कि नरेंद्र मोदी जी भी उनसे मिलने जाते हैं उनके घर पर और आर्थिक मामलों पर उनकी राय ली जाती है, लेकिन वो इस मामले से इसलिए नहीं बच पाएंगे कि ये जब का मामला है उस वक्त कोयला मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था। ये इसमें सबसे अहम पहलू है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने पहले भी जैसा कहा है कि ये नीचे कुछ अगर गड़बड़ हुई भी है तो वो चूंकि प्रधानमंत्री भी थे और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो सारी चीज़ों को ध्यान से देख सकें, इस केवल वक्तव्य के देने भर से वो बच नहीं पाएंगे। और कोयला घोटाला वो घोटाला है जो 2G और अन्य घोटालों के साथ, कॉमन वेल्थ घोटाले के साथ कांग्रेस की जो है दुर्गति के लिए जिम्मेदार रहा है। इस घोटाले की वजह से पूरे देश के सामने ये तथ्य आए थे कि जो पैसा सरकार कमा सकती थी इन कोल ब्लॉक्स के आवंटन के जरिए वो नहीं कमाया गया और इनके आवंटन में जो है मनमानी हुई है। इसमें हिंडाल्को को जिस तरीके से शामिल किया गया पार्टी बनाकर, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो भी जवाब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देंगे उसके आधार पर ही ये तय होगा कि अब ये मामला किस दिशा में जाता है। लेकिन ये कोयला घोटाले के सच सामने लाने की दिशा में एक अहम कदम तो है ही। तो कहीं इस ऐसा तो नहीं कि इस मामले में राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति तो इसमें तब हुई थी जब चुनाव लड़े जा रहे थे और उसमें इस घोटाले को मुद्दा बनाया गया था। अभी इस वक्त तो चूंकि ये कोर्ट के आदेश हैं और ऐसा तो है नहीं कि जो सत्ता में बैठा है वो कोर्ट से जो मर्जी वो आदेश जारी करवा सकता है, इसलिए कोर्ट अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है। कोर्ट को ऐसा लगा कि सीबीआई पूछताछ के बाद भी जो तथ्य सामने आए होंगे उस आधार पर उनको आरोपी बनाया जाना चाहिए, तो इस हेतु उन्होंने एक समन जारी किया है और उनको आरोपी बनाने की बात कही है। दरअसल आप जब एक जिम्मेदार पद पर होते हैं तब आप एक व्यक्ति के रूप में कितने ही सही हों और ईमानदार हों, लेकिन यदि आपके रहते घोटाला हुआ है तो जवाबदेही जो बनती है उस जवाबदेही से आप नहीं बच सकते और उस जवाबदेही के चलते ही मुझे लगता है कि उनको उनके नाम को शामिल करने की बात कही गई है। ये बहुत एक गंभीर मसला है और अभी जिस तरीके से बाद में आवंटन की प्रक्रिया बदली गई है और उस बदली हुई प्रक्रिया के जरिए जिस तरीके से कोल ब्लॉक्स का आवंटन हुआ है और अधिक पैसा आने की बात कही गई है, उससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं देश के खजाने पर उस वक्त आँच आई है और यदि वो आँच आई है तो उसका पूरी पारदर्शिता के साथ जाँच होकर सच सामने लाया जाना भी देश के लिए जरूरी है। नहीं, दूसरी ओर प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि भाई मनमोहन सिंह को कांग्रेस के पापों की कीमत चुकाना पड़ रही है। देखिए, ये तो चूंकि जावड़ेकर जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री हैं और वो इस मामले का राजनीतिक लाभ लेकर सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला जरूर करेंगे और उनका ये कहना ये भी दर्शाता है कि आज भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो छवि है वो भाजपाइयों के मन में भी अच्छी है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ कहने की बजाय उसको फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ धकेल रहे हैं। वो इसलिए कि एक व्यक्ति के तौर पर इस देश ने मनमोहन सिंह जी को जिस रूप में देखा है वो आज भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि सीधे सीधे उनकी नीयत में कोई खोट रही होगी या उन्होंने इस तरह के घोटाले को बढ़ावा देने वाला कोई काम किया होगा और इसीलिए इसको कांग्रेस पार्टी के घोटाले के रूप में ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है खुद भाजपा के द्वारा। और भाजपाइयों द्वारा ये कहना दरअसल इस बात को ही दर्शाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो छवि है वो आज भी लोगों के मन में तो साफ बनी हुई है। आगे कोर्ट क्या प्रक्रिया अपनाती है, कोर्ट में किस तरह की दलीलें पक्ष और विपक्ष में दी जाती हैं, इसी से ये साबित होगा कि क्या इस दाग से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सीधे सीधे बच जाएंगे या फिर ये अभी और ज्यादा बदनामी उनके खाते में लिखी। और क्या कांग्रेस इस कलंक को धो पाएगी? देखिए, कांग्रेस का तो जो नुकसान इस घोटाले की वजह से होना था वो कोर्ट की अदालत के आने से, फैसले के आने से पहले हो चुका है। जनता की अदालत ने ये माना है कि कांग्रेस के राज में बहुत सारे घोटाले हुए और इसीलिए आप देखिए कि तमाम जो अच्छाइयां वो गिनाना चाह रहे थे, जैसे भूमि अध्यादेश, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ मामलों पर समझौता करने के लिए तैयार होना पड़ा और ये जो बिल है भूमि अधिग्रहण बिल, ये लाया कांग्रेस के द्वारा गया लेकिन कांग्रेस उसका क्रेडिट नहीं ले पाई। तो कांग्रेस यदि अपने 10 साल के यूपीए शासनकाल के अच्छे कामों को नहीं गिना पाई है तो उसमें कहीं ना कहीं ये कोयला घोटाला
घोटाला, 2G घोटाला और कॉमनवेल्थ का घोटाला, ऐसे बड़े कारण हैं जिनकी जिनकी स्याही के भीतर उनके वो सब अच्छे कारनामे भी सरकार के छुप गए, जिनके वजह से जनता उन्हें शायद आगे वोट दे सकती थी। तो कांग्रेस को एक तरीके से जो सजा मिलनी चाहिए थी घोटाले की, अगर वो आरोपी है या नहीं है ये तो कोर्ट का काम है वो तय करना, लेकिन उसकी जनता की अदालत में तो कांग्रेस को लेकर फैसला हो चुका है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे कोयला घोटाले की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।